यानी कि एक बात अब आपको और पता चल गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगनल होगा प्रिंसिपल डायगनल, उसके सारे एलिमेंट जीरो बनेंगे, इस बात की गारंटी है। और इसको मैं एक एनालिटिकल प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। उससे पहले आपको ले चलता हूं आपके क्लास 6 और 7 पर। वहां पे आता था सिमेट्री ऑफ लेटर्स, आपको याद होगा पूछा जाता था कौन से लेटर सिमेट्रिक हैं। जैसे एक लेटर ए हो गया, एक लेटर बी हो गया, एक लेटर सी हो गया, एक लेटर एच हो गया। और अगर हम इसको किसी वर्टिकल मिरर में देखें, यानी कि इसको इस तरीके से मिरर के अंदर देखें, ठीक है, तो ये लेटर उल्टा हो जाएगा। बट उल्टा होने के बाद भी ये सीधा ही दिखाई देगा, बिकॉज इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री यहां पर है, बिकॉज जैसा ये इधर है वैसा ही इधर है। बट बी को अगर आप ऐसे करके देखोगे तो ये ऐसे दिखाई देगा, यानी कि ये सिमेट्रिक लेटर नहीं है। सी भी उल्टा हो जाएगा अगर आप इस तरीके से मिरर में देखोगे। बट एच, अगर आप एच को मिरर में देखोगे तो ऐसे ही दिखाई देगा, बिकॉज इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो ये है। तो ये सिमेट्रिक वर्ड भी वहीं से आया है। तो इसमें जो काम मिरर कर रहा है, ऐसे ही जो मैट्रिक्स होती हैं उसमें काम करता है हमारा ट्रांसपोज, यानी कि ट्रांसपोज कर दिया, और ट्रांसपोज करने के बाद भी मैट्रिक्स चेंज नहीं हो पा रही है, इसीलिए तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम आपको लिखवा रहे हैं, बहुत सिंपल सी चीज है, एग्जाम्पल बनाने की ट्रिक बताएंगे आपको, और उसके बाद फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे। तो इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो पहला क्वेश्चन तो यही अराइज हो गया कि सर व्हाई इट इज कंपलसरी फॉर अ मैट्रिक्स दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा क्यों जरूरी है कि कोई मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है तो वो स्क्वायर होनी जरूरी है? अरे बताएंगे भाई, पेशेंस रखो, बहुत सिंपल सी चीज है। तो इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ रहा है, उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ रहा है, Then A is called, तब हम A को बोलेंगे बच्चों क्या बोलेंगे, A is called symmetric matrix। अब दूसरी बात सपोज कर लो, ठीक है, यहीं पे नोट करके इसी में लिखवा दे रहा हूं, इफ A का ट्रांसपोज माइनस एक इक्वल आया, मतलब उस जो भी A का ट्रांसपोज किया उसमें माइनस कॉमन ले लिया तो A बन गया, मतलब प्लस वाले एलिमेंट चेंज हो गए माइनस से और माइनस वाले एलिमेंट चेंज हो गए प्लस से, समझ रहे हैं, अभी दिखाएंगे। तो अगर A का ट्रांसपोज माइनस एक इक्वल आएगा, देन A इज कॉल्ड, तब हम A को बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक, बस इतनी सिंपल सी चीज है। अब इनके एग्जाम्पल और बहुत सारे इनके बारे में फैक्ट आपको बताने वाले हैं। तो ये बात क्लियर हो गई, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाता है, यानी कि ट्रांसपोज करने के बाद भी मैट्रिक्स चेंज नहीं हुई तो वो सिमेट्रिक है, और अगर उसका ट्रांसपोज उसके निगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आता है, मतलब प्लस वाले बन गए माइनस, माइनस वाले बन गए प्लस, समझ रहे ना बात को, तो वो क्या कहलाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। तो एक एक दिखाते हैं एग्जाम्पल, उसके बाद बताएंगे कि इसका सिमेट्रिक होना ही क्यों, सॉरी इसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही क्यों जरूरी है। देखो एक मैट्रिक्स ले रहे हैं हम, क्या नाम है इसका, ए। डायगनल पे हम कुछ भी लिख दे जो हमारा मन करे, क्यों मन करे बताएंगे अभी। दूसरी बात, यहां पे हमने ले लिया 3, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है सर 1 2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज करने पे उल्टा हो जाता है और मुझे उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल चाहिए, तो 1 2 का हो गया 2 1, यानी कि हम यहां पर लिखेंगे 3। हमने यहां लिया -1, इसका ऑर्डर है 1 3, तो 3 1 वाला जो एलिमेंट है वो ये रहा, तो यहां भी हम लिखेंगे -1, ये रहा 5, तो इसकी वजह तो यही बचा, बिकॉज ये है आपका 2 3 और ये है 3 2। अब इसका ट्रांसपोज करके देखो जरा, ये बनाने की ट्रिक थी, ठीक है ना, बिकॉज आपको याद होगा जब हम ट्रांसपोज करते हैं कोई मैट्रिक्स होती है ए आई जे और उसका ऑर्डर होता है m(n), आपको बताया था ट्रांसपोज में, तो ये ए की वैल्यू है, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाता है, ए आई जे की बजाय हो जाता है ए जे आई, और m(n) की जगह क्या हो जाता है n(m) हो जाता है, बात सही है, हाँ जी। तो ट्रांसपोज करो इसका, 1 3 -1, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, 3 2 5, तीसरी रो तीसरा कॉलम, माइनस का 1 5 और 3, देख लो कर दिया ट्रांसपोज, बट ए से कंपेयर करना कोई चेंज आया, अरे वाह कोई चेंज ही नहीं आया, यानी कि इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ रहा है। इस वजह से ये जो ए मैट्रिक्स हमने बनाया था ये है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, आपको कुछ नहीं करना है, बिकॉज देखो क्या कहा था, ए आई जे बराबर ए जे आई हमें करना है।
अब अगर यहां पर हम आई आई कर दें यानी कि 1 1 2 2 3 3 तो इसका रिवर्स करने के बाद भी ये सेम रहेगा, इसलिए हम बोलते हैं ट्रांसपोज करने पे डायगनल वाले एलिमेंट कभी चेंज होंगे नहीं। तो इसको तो जो मर्जी करे वो लिख दो, बाकी के 1 2 का बन जाएगा 2 1, जो भी आप 1 2 पे ले रहे हो वो 2 1 पे लो, जो आप 1 3 पे ले रहे हो वो 3 1 पे लो, जो आप 2 3 पे ले रहे हो वो 3 2 पे ले लो। ये बनाने की सिंपल सी ट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या करेंगे, अगर यहां पे प्लस लिया है तो वहां पे माइनस ले लेंगे, बिकॉज हमें वहां पर क्या चाहिए, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल चाहिए। तो ये तो हो गई बनाने की ट्रिक। सवाल नंबर 2 कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होना है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों होनी चाहिए भैया, है ना? क्या कोई वैसी जो मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है वो क्या सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकती? देखो तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, पहले मुझे ये बताओ कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आया दैट इज सिमेट्रिक, अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आया दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है? अब दो मैट्रिक्स आपस में तभी इक्वल हो सकती हैं जब उनका ऑर्डर इक्वल होगा, जब ऑर्डर इक्वल होगा तभी तो एलिमेंट कंपेयर करोगे। जैसे मैं ये बोलूं कि ये मैट्रिक्स क्या इस मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगी 1 2 3 और ये 1 2 3, भैया ऑर्डर इक्वल नहीं, चलो 1 की कंपेयर 1 से कर लोगे। फिर इधर इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1 2, इसमें तो 1 2 है ही नहीं, तो बात समझ में आई, यानी कि ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। और दूसरी बात यह है ट्रांसपोज करने पर ऑर्डर हो जाता है रिवर्स। देखो अगर ये मैट्रिक्स थी ए 1 2 3 तो इसका ऑर्डर कितना है, एक रो है 3 कॉलम है, और अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं तो ये हो जाएगा 1 2 3, तो कितना हो गया, अब ये 3 × 1 हो गया जो 1 × 3 था, और हमें इनको लाना इक्वल, यानी कि ट्रांसपोज करने के बाद भी कुछ ऐसा हो जो इनका ऑर्डर चेंज ना हो, क्योंकि ऑर्डर चेंज नहीं होगा यानी कि ऑर्डर सेम होगा तभी तो इक्वल बनेंगी। अब इक्वल है या नहीं है वो तो बाद की बात है, लेकिन एटलीस्ट हम कंपेयर तो तभी कर पाएंगे बच्चों जब इनका ऑर्डर सेम होगा, अभी तो कहीं से कहीं तक इक्वल ही नहीं हो सकती। तो कौन सी ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज करने के बाद भी ऑर्डर चेंज नहीं होगा, सिंपल आंसर है क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स 1 2 3 4, ऑर्डर क्या है 2 × 2, ट्रांसपोज कर दो तो भले ही ये हो जाए 1 2 3 4, हाँ उसके इक्वल नहीं आई, उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल नहीं आया यानी कि ये सिमेट्रिक नहीं है, बट ऑर्डर तो इक्वल है, एटलीस्ट आप कंपेयर तो कर पाओगे, इसमें तो आप कंपेयर ही नहीं कर पाओगे। तो यहां से इस बात का प्रूफ होता है कि हमें वो मैट्रिक्स चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जिसका ट्रांसपोज करने के बाद भी ऑर्डर चेंज ना हो, और वो मैट्रिक्स है सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसलिए जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी वही सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हो सकती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एवरी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉट अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ रही है बात कि भाई सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का स्क्वायर होना जरूरी है, बट हर स्क्वायर मैट्रिक्स का सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक होना जरूरी नहीं है। तो ये बात हो गई क्लियर। अब स्क्यू सिमेट्रिक का एक एग्जांपल बना के आपको दिखाएं, बिल्कुल दिखा दीजिए सर। अब कहोगे सर डायगनल वाले एलिमेंट तो चेंज होते नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही आ रही है, अगर मैं डायगनल पे 1 2 3 लिख दूं, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है जल्दी से बताओ मुझे, AT बराबर माइनस ए है, यानी कि प्लस वाला माइनस हो जाएगा माइनस वाला प्लस, चलो मैं यहां माइनस कर देता हूं, तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज भी करूंगा बच्चों तो 1 की जगह 1 रहेगा, -2 की जगह -2 रहेगा और 3 की जगह 3 रहेगा, ये चेंज हो ही नहीं सकते ट्रांसपोज करने पे, बट मुझे माइनस का ये चाहिए था, मतलब ये 1 हो जाता मेरा माइनस था, ये 2 हो जाना चाहिए था प्लस का और ये 3 हो जाना चाहिए था माइनस का, तभी तो वो स्क्यू सिमेट्रिक बनेगी, और बाकी तो मैं ये अकॉर्डिंगली ले ही लूंगा, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है? तो अब भैया डायगनल पे तो कोई चेंज आ नहीं रहा है, तो बिना चेंज करे ऐसा कौन सा नंबर है जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव सेम होता है, तो वो है 0। यानी कि एक बात अब आपको और पता चल गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगनल होगा प्रिंसिपल डायगनल उसके सारे एलिमेंट 0 बनेंगे, इस बात की गारंटी है, और इसको मैं एक एनालिटिकल प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, अभी आपको ये प्रैक्टिकल प्रूफ दिखा रहा हूं, ठीक है? तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगनल एलिमेंट का 0 होना कंपलसरी है 100%। अब सपोज कर लो मैंने यहां पे -1 लिया, बताओ किसका इसका क्या ऑर्डर है, सर ये 1 2 है, तो 2 1 पे +1 कर दो, यानी कि ट्रांसपोज तो होना चाहिए बट माइनस के साथ। यहां पे मैंने 3 लिया, 1 3 है ये, तो 3 1 पे -3 कर दो। यहां पर मैंने लिया -8, तो यहां पर +8 कर दो। अब देखो इसका ट्रांसपोज करो, करिए इसका ट्रांसपोज, 0 -1 3, 0 -1 3, पहली कॉलम पहला रो पहला कॉलम बन गया, 1 0 -8, 1 0 -8, और माइनस का 3 और 8 और 0। देखो 0 का नेगेटिव 0, 0 का नेगेटिव 0, 0 का नेगेटिव 0।
अदरवाइज हम कुछ और लेते वो चेंज नहीं होता, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती ही नहीं। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी बन सकती है, इतनी बात को नोट कर लो, लिख लो, कि जब उसके डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे। अब ये प्रूफ करने को आएगा कि शो दैट या प्रूफ दैट डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। इसका प्रूफ दिखाएंगे आपको एनालिटिकली, मैथमेटिकली, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, तो देखो, माइनस वन की जगह वन आ गया, थ्री की जगह माइनस थ्री हो गया, माइनस एट की जगह एट हो गया, प्लस एट की जगह माइनस एट हो गया, वन की जगह माइनस वन, थ्री की जगह माइनस थ्री हो गया। तो ये इसका ट्रांसपोज करके एक इक्वल नहीं आया बल्कि माइनस एक इक्वल आया। देयरफॉर ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये बनाने की ट्रिक हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं, ये बात भी हो गई पक्की, और स्क्वायर मैट्रिक्स ही सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हो सकती है, ये बात भी आपको समझा दी। तो दैट इज ऑल अबाउट द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उम्मीद करता हूं आपको सारे कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, उसके बाद फिर एक फॉर्मूला जनरेट होगा। क्या प्रॉपर्टी है? चलो ऐसा करते हैं, एक मैट्रिक्स आप लेट कर लें, कोई सी भी जो आपका मन करे। चलो ऐसा करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सबसे आसान, ठीक। इसका ट्रांसपोज कर लीजिए आप जरा, तो इसका ट्रांसपोज करिए तो ये 1 2 ऐसे हो जाएगा और ये 3 4 ऐसे हो जाएगा। अब आ रही है मजे की बात, अगर हम किसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड कर दें, ध्यान दीजिएगा, किसी भी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड कर दें, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा। तो चलिए करते हैं ऐड, क्या है ये 1 2 3 4 प्लस 1 3 2 4, दिखा लिए आंसर निकालिए, 1 और 1 2 3 2 5, दिखाने वाले हैं जादू, 3 और 2 5, 4 और 4 8, बहुत ही बढ़िया। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज इसको कोई सिंगल मैट्रिक्स बन गई ना, तो इसको कुछ भी मान लो यार, सी मान लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है सी मान लो। अब सी का ट्रांसपोज करके देखो, चेंज नहीं होगा ये, 2 5 5 8, जैसा था वैसे ही रहा, यानी कि जो सी है वो कैसा बन गया, वो बन गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सी कौन था? सी था ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो यहां से पता ये चला, नोट करके लिख लेना, कि ए प्लस ए की पॉवर्टी यानी कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को उसी में ऐड कर दोगे तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी वो 100% सिमेट्रिक होगी, ये इस बात का प्रूफ हो गया। तो इस एग्जांपल को चाहो आप नोट कर सकते हो, वरना अपने पास से एग्जांपल बना लो, बट आपको सिर्फ ये प्रॉपर्टी नोट करनी है, सिर्फ ये प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी हो गई? प्रॉपर्टी ये हो गई, प्रॉपर्टी नंबर 1, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या आएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी एक, बहुत ही बेहतरीन। अच्छा, माइनस करके भी देखें, प्लस करके ये जादू हुआ, तो जादू नंबर 2 भी होना चाहिए कुछ। चलो भाई करते हैं, 1 2 3 4, ए का ट्रांसपोज क्या बनेगा? 1 2 3 4, सही है। अच्छा, ए माइनस ए ट्रांसपोज, यार अब डायरेक्टली माइनस कर देंगे, इतना लेंदी नहीं लिखेंगे, 1 में से 1 गया 0, 0 तो डायगोनल किसका होता है? स्क्यू सिमेट्रिक का। कहीं ये स्क्यू सिमेट्रिक तो नहीं बन रही है? 2 में से 3 गया, माइनस का 1 3 में से 2 गया, 1 4 में से 4 गया, 0। इसको सी मान लेते हैं, अब कर लेते हैं सी का ट्रांसपोज, करिए 0 माइनस 1 हो जाएगा और ये 1 और 0 हो जाएगा, किसके इक्वल आ गया? ये माइनस सी के इक्वल आ गया बच्चों, जहां माइनस वन था वहां प्लस वन हो गया, जहां प्लस वन था वहां माइनस वन हो गया, 0 का नेगेटिव तो 0 होता ही है। तो यहां से ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि जो सी मैट्रिक्स है वो कैसी है, वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक बात याद रखो, किसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज को सबट्रैक्ट कराने पर जो आपकी रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगी वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी, चाहे दुनिया हो जाए इधर की उधर, मगर ये प्रॉपर्टी रहेगी इधर। क्या प्रॉपर्टी? नंबर 2। इसी के बेस पे एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे, इसलिए पढ़ाए हैं बच्चों, ये कोई फालतू की चीज नहीं पढ़ाए हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज होने वाला है। तो स्क्यू सिमेट्रिक बन गई, सही है। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 आएगा, क्या है भैया प्रॉपर्टी नंबर 3? बहुत इंपॉर्टेंट है, यही है फॉर्मूला। तो प्रॉपर्टी को लिखने से पहले थोड़ा समझा दें, कोई मैट्रिक्स थी ए, कुछ भी हो सकती है भाई, ऐसा है 1 2, फिर से अपना वही 1 2 3 4, सबसे मजे की बात, ठीक है 1 2 3 4। किसी ने मुझसे कहा कि इसको तोड़ दो, दो मैट्रिक्स में तोड़ दो और उनका प्लस करें,
दो मैट्रिक्स में तोड़ दो इसको, मान लो ये ए मैट्रिक्स थी, इसको बी और सी में तोड़ दो, सही है। बट शर्त ये है भाई, तोड़ोगे सीधी बात है, इनको प्लस करके ए बनेगा, बिल्कुल ठीक है। मगर शर्त ये है, ये वाली होनी चाहिए सिमेट्रिक और ये वाली होनी चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसको बोलते हैं रिप्रेजेंट अ मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट व्हेन वी गोइंग टू ऐड दीज मैट्रिक्स इट शुड बी इक्वल टू दैट मैट्रिक्स, तब वो उसके इक्वल बन जानी चाहिए। यानी कि एक मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स में तोड़ो, बट वो दो मैट्रिक्स में एक हो सिमेट्रिक और एक हो स्क्यू सिमेट्रिक। बात सही है, ठीक है। तो दिखाते हैं प्रॉपर्टी नंबर तीन विद प्रूफ के साथ। प्रॉपर्टी नंबर तीन विद प्रूफ के साथ, सही है। देखो ए को लेके चले, या ऐसा करो ए को लेके मत चलो, हम लेके चले ए प्लस ए टी। हमने ए में उसका ट्रांसपोज ऐड करा दिया और हमें कोई ए मैट्रिक्स गिवन होगी, तो ए मैट्रिक्स क्या मान ले रहे हैं, आपको प्रैक्टिकल प्रूफ भी दिखा देंगे, 1 2 3 4, सही है। इसको यहीं रखो, इस पे आ जाओ और ए में से ए टी को माइनस कर दो। तो हमें मालूम है भाई ये सिंगल मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक है, और ये एक सिंगल मैट्रिक्स है जो भी स्क्यू सिमेट्रिक है। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, बिकॉज ऊपर हम पढ़ा के आए हैं आपको, ठीक। तो मुझे एक बात बताओ, ए ट्रांसपोज से ए ट्रांसपोज तो कैंसिल हो जाएगा, ए और ए कितना बचेगा 2a, बट हमें किसके इक्वल चाहिए था, ए के इक्वल। हाँ ये बात पक्की है कि ये सिमेट्रिक है और ये बात पक्की है ये स्क्यू सिमेट्रिक है, और इन दोनों को ऐड करके 2a आ रहा है। बट हमने क्या कहा था आपसे, हमें इन दोनों को ऐड करके वही ए मैट्रिक्स चाहिए, 2 नहीं चाहिए। तो इस 2 को इधर डिवाइड में ले आए, जब ये 2 इसके डिवाइड में आएगा तो यहां भी 2 डिवाइड में लग जाएगा, यानी कि हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब 1/2 तो कोई स्केलर है, सिमेट्रिक में 1/2 से डिवाइड कराओगे और क्या रहेगा, सिमेट्रिक ही रहेगा, और स्क्यू सिमेट्रिक में 1/2 से डिवाइड कराओगे स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। चाहे आप इसको ऐसे ही छोड़ देना, 1/2 मतलब बाहर ही छोड़ देना या अंदर मल्टीप्लाई करा देना, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक पे कोई चेंज नहीं आएगा। और किसके इक्वल आ गया, ये ए के इक्वल आ गया। तो भैया देख लो, ये बन गया हमारा फॉर्मूला, किसी मैट्रिक्स को अगर आपको दो मैट्रिक्स में तोड़ना हो और एक आपको चाहिए सिमेट्रिक और एक आपको चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक, तो इन दोनों को ऐड करोगे ए भी आ जाएगा, और जिसमें ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको बहुत अच्छे से नोट कर लो, और ये आपका प्रूफ भी हो गया, रटाया कुछ भी नहीं है। अब कुछ एनसीईआरटी के अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन है वो आपको दिखाते हैं। उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिखाने वाले हैं आपको कि मैथमेटिकल प्रूफ दे रहे हैं आपको, मैथमेटिकल प्रूफ कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो क्यों होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो पहली बार क्लास 12 के बच्चों को प्रूफ मिलने जा रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट जीरो क्यों होते हैं, मैथमेटिकल अप्रोच से प्रूफ करा के दिखाऊंगा जो अभी तक आप रट रहे थे। तो एक बात मुझे बताइए, ये तो गिवन है ना कि जो मैट्रिक्स है हमारी वो स्क्यू सिमेट्रिक है, ये बात गिवन है, बिल्कुल पक्की गिवन है। तो हम ये लिख सकते हैं सॉल्यूशन, यहां से स्टार्ट करेंगे, सिंस जो ए का ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आ रहा है, माइनस ए के इक्वल आ रहा है, तो इनके मैं जनरल एलिमेंट ले लेता हूं माइनस, और ये क्या था ए आई जे था, कोई भी मैट्रिक्स हो गई उसका जनरल एलिमेंट हो गया, ऑर्डर क्या हो गया एम इंटू एन, बट ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो रिवर्स करने पे भी ऑर्डर तो सेम ही रहेगा, तो यहां पे कुछ भी मान लो एम इंटू एम मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ए का ट्रांसपोज आप जानते हो किसके इक्वल होगा, ये ए आई जे है, तो बच्चों ये ए जे आई हो जाएगा और ऑर्डर एम इंटू एम ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, ये बात तो हमें गिवन है ना, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है, तो ट्रांसपोज हो गया ए जे आई, आई जे की बजाय ए मैट्रिक्स हो गई ए आई जे, वो नेगेटिव के इक्वल आ रहा है तो ये माइनस लग गया। इसको इधर उठा के ले आओ जरा, तो ए जे आई प्लस का ए आई जे, ऐसी कैलकुलेशन करिए कभी, देख रहे हो बड़ा मस्त आपको समझ में आ जाएगा, इक्वल में क्या बनेगा जीरो बनेगा। बट हम किसकी बात कर रहे हैं, मुझे एक बात बता दो, डायगनल एलिमेंट की। अब तुम सोचोगे सर इसको कैसे ऐड कर सकते हैं, ये भी क्या ऐड हो सकता है, मुझे ये बता दो डायगनल एलिमेंट क्या होते हैं, 1 1 जिनका ऑर्डर 2 2 3 3 4 4, तो मैं यहां पर एक चीज लिख सकता हूं, मुझे सिर्फ डायगनल की बात करनी है, तो फॉर डायगनल एलिमेंट, डायगनल एलिमेंट के लिए इतनी बात याद रखना, डायगनल एलिमेंट के लिए आई बराबर जे होता है कि नहीं होता, मुझे इतनी बात बता दो आप। अरे डायगनल कोई भी डायगनल लोगे आप, ये वाला ले लो 3/3 की मैट्रिक्स है, तो ये ए 1 1 होता है, ये ए 2 2 होता है, ये ए 3 3 होता है, यानी कि डायगनल एलिमेंट पर आई और जे की वैल्यू क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो मुझे ये जे आई है और ये आई जे है, तो मैं इसको आई जे लिख सकता हूं क्योंकि क्या है सीधी सी बात है, या इसको आई आई लिख लूं, इसको आई आई लिख लूं, क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है।
तो यहां से मैं क्वेश्चन को देता हूं हटा। अब देखिए, तो ए जे बराबर आई हो चुका है, तो इसको मैं लिख ले रहा हूं ए आई आई प्लस ए आई आई, ठीक है ना, या ए आई जे कुछ भी लिख लो, ऐसे कर लो ए आई जे, इसको ए आई जे रहने दिया, जे को आई से रिप्लेस कर दिया, आई को जे से रिप्लेस कर दिया, बिकॉज आई बराबर जे है, ऐसे कर दो। तो ए आई जे कितना हो गया सर, टू ए आई जे। लेकिन ये कंडीशन तभी बन पाई है जब बात डायगनल एलिमेंट की चल रही है। मेरे प्यारे बच्चों इतनी सी बात याद रखना, ये मैं ऐसे कभी नहीं लिख पाता अगर मैं डायगनल की बात नहीं करता। तो ए आई जे का मतलब कोई एलिमेंट नहीं है कि कोई सा भी एलिमेंट, ए आई जे का मतलब है डायगनल एलिमेंट इक्वल टू जीरो। अब टू को उधर भेज दो डिवाइड में, तो जैसे ही टू को डिवाइड में भेजोगे तो ए आई जे बराबर कितना हो जाएगा जीरो, और आई बराबर जे है यानी कि डायगनल एलिमेंट की बात हो रही है, तो आई आई लिख दो या जे जे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देख लो ए आई जे बराबर जीरो या ए आई आई बराबर जीरो या ए जे जे बराबर जीरो, ये कब हुआ, जब मैंने डायगनल एलिमेंट की कंडीशन ली है तब हुआ। तो इस बात से ये बात प्रूफ हो गई कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगनल एलिमेंट हमेशा जीरो होंगे। मैथमेटिकल प्रूफ करके दिखाया, ये मजाक की बात नहीं है, इसको बहुत अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि यहां पर हम आपको रटाते नहीं है, हर चीज का फैक्ट बताते हैं, ठीक है। तो अब एनसीईआरटी के कुछ अच्छे क्वेश्चन है, उनको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। तो खराब क्वेश्चन, खराब से मतलब इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन कोई खराब नहीं होता, इजी क्वेश्चन ना कराऊंगा, ना आपका टाइम वेस्ट करूंगा, ना अपना करूंगा, बिकॉज क्वेश्चन नंबर जो आपको यहां पर दे रखा है 8 और 9, उसमें वेरीफाई कराया है कि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होता है, ए माइनस ए डैश एसक्यू सिमेट्रिक होता है, ए की वैल्यू दे रखी है जो कि मैंने आपको प्रूफ एग्जांपल में करा दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 से बात होगी सीधे, क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें चार क्वेश्चन है बच्चों, और बोला गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये मैंने अभी आपको फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाया था, अब एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं इसमें ले रहा हूं सेकंड पार्ट, बिकॉज फर्स्ट पार्ट में 2x2 की मैट्रिक्स है, आप कहोगे इजी वाला सर ने खुद कर लिया, तो एक मैं कर देता हूं, बाकी के 3 क्वेश्चन आप होमवर्क में बनाएंगे। एक मैट्रिक्स गिवन है जिसको मैं मान लेता हूं ए, और उसकी वैल्यू है 6 -2 2, माइनस का 2 3, माइनस का 1 2 -1 3, ठीक है बच्चा लोग। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, ए प्लस ए टी निकालने वाले हैं। तो ए की वैल्यू एज इट इज लिख देते हैं 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस, क्यों, क्योंकि ए प्लस ए टी क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी, और बाद में हाफ लगा देंगे। उसके बाद इसका ट्रांसपोज कर लो जल्दी से, तो ये हो जाएगा 6 -2 2, ये हो जाएगा माइनस का 2 3 -1 2 -1 3। अब कर लो इनको ऐड, तो 6 और 6 हो गया 12, -2 -2 हो गया आपका माइनस का 4, 2 और 2 हो गया क्या, 2 और 2 भी हो गया 4, समझ में आ रही है बात, -2 और -2 हो गया माइनस का 4, 3 और 3 हो गया 6। वैसे ही अपने आप में सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बिकॉज हमने इसका ट्रांसपोज करा तो इसी के इक्वल आ रहा है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो है, बट हमें इसको रिप्रेजेंट करना है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो वो हमको देखना पड़ेगा, ठीक है ना बात, ओके। तो 12 -4 4 -4 6, अच्छा इसका एक और तरीका भी बताएंगे अभी, -1 और -1 माइनस का 2 2 और 2 4, -1 और -1 माइनस का 2 3 और 3 6 हो गया, ये बन गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए माइनस ए टी, इसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट लिखूंगा, इससे इसको माइनस कराना है बस। तो देखो 6 -6 0, -2 और -2 ये 0, ये पूरी बन जाएगी 0 मैट्रिक्स, पूरी मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ये बन गई सिमेट्रिक, ये बन गई इसकी सिमेट्रिक। अब आप जानते हैं फॉर्मूला, क्या जानते हैं फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हम ये जानते हैं, ए बराबर ए प्लस ए टी, इसका हाफ होता है, प्लस हाफ ए माइनस ए टी, बिकॉज ये बनती है स्क्यू सिमेट्रिक, ये बनती है सिमेट्रिक। तो इसकी क्या वैल्यू आई है भाई, 2 से डिवाइड करोगे तो वापस से यार यही मैट्रिक्स बचेगी। तो एक काम करते हैं, अभी हमको थोड़ा सा चाहिए, क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, इसको हटा देते हैं। आप चाहें तो 1/2 कॉमन में लिख सकते हैं इस तरीके से, या 2 डिवाइड में भेज सकते हैं। तो जब आप 2 डिवाइड में भेजेंगे क्या बने, ये वाली तो बनी थी ए प्लस ए टी, इससे 2 से डिवाइड कराओगे तो वापस यही आ जाएगी 6 - 2 2। फिर आपको यहां पर एक ऑब्जर्वेशन बताएंगे, ये ऐसा इसलिए हो रहा है, ये 0 0 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये मैट्रिक्स ऑलरेडी जो हमें गिवन थी वो सिमेट्रिक थी, वरना ऐसा नहीं होता। तो -2 3 -1 2 -1 3,
ये वैल्यू होगी हाफ ऑफ हाफ और a प्लस ए टी की, और साथ में इसकी सिमेट्रिक है तो इसको हाफ को हाफ से इसको डिवाइड कराओगे आप जीरो 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 को, तो ये तो यही रहेगा। तो एक जीरो मैट्रिक्स हमेशा, यहां से ये बात पता चली, क्या बात पता चली कि जो जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स अगर आपसे कोई पूछे कि एक मैट्रिक्स बताओ जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, एग्जांपल क्वेश्चन आ सकता है ना एमसीक्यूज में, अ मैट्रिक्स व्हिच इज सिमेट्रिक एंड आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक, तो इस बात को याद रखना कि जो जीरो मैट्रिक्स होगी वो सिमेट्रिक भी होगी और स्क्यू सिमेट्रिक भी होगी। शॉर्ट में लिख देते हैं एस फॉर सिमेट्रिक एंड एस एस फॉर स्क्यू सिमेट्रिक। दूसरी बात यह है, अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑलरेडी और उसको कहा जाए कि प्रेजेंट करो एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो उसका आंसर होगा ए प्लस जीरो मैट्रिक्स। ए तो ऑलरेडी सिमेट्रिक थी और जीरो मैट्रिक्स इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, इन दोनों को ऐड करने पे यही आ रहा है। तो ये यही सवाल है, यूनिक सवाल था ये, इस वजह से ऐसा हुआ, वरना और कोई क्वेश्चन होता तो ऐसा नहीं होता। एक क्वेश्चन और दिखा देते हैं इसी वजह से। तो अगर ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और आपसे कहा जाए कि रिप्रेजेंट इट एज अ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका आंसर होगा डायरेक्टली ए प्लस जीरो का, मतलब है उसी ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई, जैसा कि आपको यहां पर वेरीफाई भी हो गया है, तो चिंता की कोई बात नहीं। एक एक चीज का ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगा। सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर बस कर लिए, यहां से आप देख रहे हैं कितनी चीजें आपको समझने को मिल रही हैं, समझने को मिल रही हैं। ठीक, तो एक क्वेश्चन हम यहां पर और दिखाएंगे अभी आपको। एक 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है यहां पर, 10th का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट पार्ट। तो एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है यहां पर, ये रही 3 5, इसमें आप और अच्छे से समझ जाएंगे बिकॉज ये सिमेट्रिक नहीं है। तो ये ए मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो ए प्लस ए टी निकाल लीजिए, ए की वैल्यू हो गई 3 5 1 माइनस वन, ए टी हो गया 3 5 1 माइनस वन, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 3 और 3 हो जाएगा 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6, माइनस वन और माइनस वन माइनस का 2, करेक्ट है। तो ये क्या बन गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई। हाफ लगाएंगे वो देख लेंगे, ए माइनस का ए टी, ए से ए ट्रांसपोज को माइनस करा दिए, ट्रांसपोज ये रहा तो डायरेक्टली माइनस ही कर देते हैं, 3 में से 3 गया 0, 5 से 1 गया 4, 1 से 5 गया -4, -1 और -1 0, ठीक है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ए बराबर हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। क्या वैल्यू आई है इसकी, किसकी, ए प्लस ए टी की, तो ये वैल्यू आई है 6 6 6 -2, साथ में हाफ लग गया प्लस हाफ, और स्क्यू सिमेट्रिक वाली मैट्रिक्स क्या आई है, यानी कि ए माइनस ए टी, ये है 0 4 माइनस का 4 0। अब अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो बिल्कुल डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 3 3, कितना था ये, 0 था 6 था, 6 था, 3 माइनस का 1 प्लस 0 2 माइनस 2 0। अब अगर आप इनको ऐड करें तो वापस से यही मैट्रिक्स बन जाएगी, और ये है सिमेट्रिक और ये है स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंट हो गई एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें कोई भी जीरो मैट्रिक्स नहीं आ रही है बिकॉज जो मैट्रिक्स दी गई थी वो स्क्वायर थी बट सिमेट्रिक नहीं थी। तो यहां से आप सारे डाउट अपने कर लो क्लियर। अब एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा था जो एमसीक्यूज में दे रखा है, बट ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज फॉर्म में आते नहीं है बच्चों। ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं 11 और 12, इनको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें आप लोग बिकॉज ये सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको कहते हैं महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 11 शॉर्ट में लिखेंगे और जल्दी से सॉल्यूशन करेंगे। कह रहे हैं इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, तो ए बी माइनस बी ए बताओ क्या होगा, जहां पर ए एंड बी कैसी मैट्रिक्स है, आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर की, इसमें आएगा मजा। तो ए बी माइनस बी ए के बारे में क्या ख्याल है आपका। अब मुझे एक बात बताओ, मैं तो ये बोल दूंगा कि भैया मुझे ये गिविन है, क्या गिविन है, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है ए एंड बी, तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आएगा और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल आएगा, सिमेट्रिक होने की यही तो कंडीशन है, यानी कि ये गिविन है। हमें क्या लेकर चलना है, हमें लेकर चलना है ए बी माइनस का बी ए, तो हम इसका ट्रांसपोज लेके चलते हैं क्योंकि ट्रांसपोज करके ही तो पता चलेगा सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है कि जीरो है कि क्या है। तो हमने ट्रांसपोज को ओपन कर दिया। अब ट्रांसपोज का आपको लॉ पढ़ाया था, अगर माइनस में आ जाते हैं तो इसका अलग ट्रांसपोज हो जाएगा, इसका अलग ट्रांसपोज हो जाएगा, या प्लस में आ जाते हैं तो उसका अलग ट्रांसपोज हो जाएगा, उसका अलग ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ए बी के होल का ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस बी ए के होल का ट्रांसपोज हो जाएगा, ये हमने लॉ लगा दिया। अब ये दोनों है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई वाला लॉ क्या था, ट्रांसवर्सल लॉ,
यहां पे इसका उल्टा हो जाता है ना ट्रांसवर्सल लॉ, तो ये हो गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, माइनस का ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी के इक्वल है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए के इक्वल है, ये बात हमें गिवन थी, पुट करा दो। तो ये हो गया बच्चों बी ए और ये हो गया ए बी, लेके चले थे ए बी माइनस बी ए और आ रहा बी ए माइनस ए बी, यानी कि अगर हम यहां माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा ए बी माइनस का बी ए। देखो भाई एक मैट्रिक्स, ये कोई सिंगल मैट्रिक्स ही तो थी, इस सिंगल मैट्रिक्स का कराया हमने ट्रांसपोज, वो ट्रांसपोज उसके माइनस के इक्वल आ रहा है, और माइनस के इक्वल जब आता है तो कैसी वो सिमेट्रिक होती है कि स्क्यू सिमेट्रिक होती है, जल्दी बोलो, माइनस के साथ स्क्यू सिमेट्रिक होती है। देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये है बात इंपॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं मैट्रिक्स अलजेब्रा के, जिसमें ये ऐसे सॉल्यूशन आपको करने पड़ते हैं, वो मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है, इस वाले क्वेश्चन में आती है प्रॉब्लम, तो यहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी डेवलप, इस टाइप से होते हैं ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12, उसके बाद ये हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी, टाटा बाय बाय खल्लास। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बच्चों ये है, क्वेश्चन नंबर 12, ए की वैल्यू दे रखी है कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, साइन अल्फा और एक दे रखा है कॉस अल्फा, बहुत सही। देन उसके बाद क्या बोला है, ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है या होगा इफ अल्फा इक्वल टू, ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं व्हाट, मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके हम इसमें ऐड करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है, तो अल्फा की क्या वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, कोई इशू नहीं है, ए प्लस ए ट्रांसपोज ले लो, ए की वैल्यू तो यही रहेगी कॉज अल्फा माइनस का साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉज अल्फा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस ए का ट्रांसपोज करो भैया ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा कॉज अल्फा माइनस का साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉज अल्फा इक्वल टू आई, आई क्या होता है 1001, उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, तो कॉज में कॉज ऐड कर दिया, क्या बना बच्चों, सर 2 कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉज अल्फा कॉज अल्फा 2 कॉज अल्फा किसके बराबर है 1001। देखो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स लग गया, यहां 0 यहां 0 यहां 0 तो यहां 0, यहां 1 है तो यहां 2 कॉज अल्फा है, यहां 2 कॉज अल्फा है तो यहां 1 है, यानी कि इक्वालिटी लग रही है। तो फ्रॉम द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स वी कैन राइट 2 कॉज अल्फा इक्वल टू 1, बहुत बढ़िया। तो ये बता दो मुझे अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, डायरेक्टली लिख देते हैं अल्फा बराबर हो जाएगा कॉज इनवर्स 1/2, तो इसकी दो वैल्यूज आएंगी, एक होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक होगी फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। बट यहां पर हमें देखना है कि कौन कौन सिंगल सिंगल आंसर दे रखे हैं सारे, सिंगल सिंगल का मतलब है वैसे तो ये दो क्वाड्रेंट में होगा ना कॉज, अगर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाएं तो डिटेल में जाएं तो एक पहले में और एक चौथे में, 360 माइनस थीटा और एक थीटा, तो अभी हम सिंगल वाला ले लेंगे। तो 1/2 कॉज कितने पे होता है जल्दी से बताओ, तो 1/2 होता है 60 डिग्री पे, यानी कि पाई बाई 6। ठीक है, और एक ये आ जाएगा 300 डिग्री पे, तो पाई बाई 6 पहला ही ऑप्शन दे रखा है, तो आंसर हो गया ए करेक्ट पाई बाई 6। ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.3 और इतने सारे इसमें आपको फैक्ट जानने को मिले। सॉल्यूशन करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपने क्वेश्चन और आंसर कर लिए, कितनी मेन चीज है अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए, कितनी सारी चीजें आपको इसमें पढ़ने को मिली। अगर आया है आपको इसमें मजा और लग रहा है कि मेहनत की गई है, जितना आसान ये टॉपिक है उतना, जितना दिखता है उतना है नहीं, कितनी सारी चीजें इसमें जानी जा सकती हैं, तो अगर आपको इसी तरीके से मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।